अयोध्या विवाद को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ गई। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। फैसले की घड़ी को नजदीक आते देख अयोध्या में भी हलचल तेज हो गई। वहीं अयोध्या विवाद के संभावित फैसले को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक सौहार्द की सराहनीय पहल की मिसाल दी। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों की पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बैठक बुलाई। वहीं इस बैठक में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा है कि अयोध्या फैजाबाद हमारी धरती है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर जन्म लिया। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अयोध्या फैजाबाद के सभी सम्मानित, हमारे चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे हिंदू समाज के लोग हों, सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। चूँकि अयोध्या फैजाबाद हमारी धरती है, ये हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे पुरखों की धरती है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर जन्म लिया है। इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज यहाँ पर निजाम अशरफ साहब, डॉक्टर गनी साहब, शुएब भाई, हलीम भाई, इकबाल अंसारी साहब, दान बहादुर सिंह जी, सारे हमारे जो बुज़ुर्ग और बड़े लोग हैं सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम लोगों ने आज इस बात का संदेश दिया है कि ये अयोध्या फैजाबाद हिंदू मुस्लिम एकता की धरती है। अगर एक तरफ ये मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है तो दूसरी तरफ यह इसबाकउल्लाह खां के शहादत की भी धरती है। और हम चाहते हैं कि हमारी इस धरती पर कोई दंगा फसाद ना हो। ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, ये अफवाह ना फैलाएँ, क्योंकि यहाँ पर प्यार मोहब्बत कायम है, भाईचारा कायम है, हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। और हम चाहते हैं फैसला चाहे जो हो, लेकिन इस धरती से प्यार का संदेश, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, गंगा जमनी तहजीब का संदेश जाना चाहिए। और हम प्रशासन से मिलेंगे, प्रशासन से मांग भी करेंगे कि जो लोग इस अयोध्या फैजाबाद में फर्जी अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, उन पर कड़ी निगाह रखें। जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त लोग हैं, जो लोग यहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी निगाह रखें, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। बाकी हम समाजवादी लोग, हिंदू मुस्लिम एकता को मानने वाले लोग, आदरणीय मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव के मानने वाले लोग, उनके सिपाही आज इस बात का संकल्प लिए हैं कि चाहे शरीर का एक एक कतरा खून देना पड़ जाए, कोई बलिदान, कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए, लेकिन इस अयोध्या फैजाबाद अपने पूर्वजों की धरती सरजमी के मान और सम्मान को बचाने का काम करेंगे। जो यहाँ का संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, जो यहाँ का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम प्यार का पैगाम है, उसे बचाने का, उसे संवारने का पूरा प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमने ये भी कहा है कि कहीं कोई दुख हो, कोई सुख हो, कहीं कोई बात हो, अगर कोई सूचना मिले तो हम लोगों को बताएं। हम समाजवादी लोग मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करने का, दुख और सुख में खड़े होने का, और अगर कहीं कोई ऐसी कोई घटना होती है उसके लिए भी सूचित करें, हम लोग उसको मौके पर संभालने का, प्रशासन को सूचित करने का काम, जिससे अयोध्या फैजाबाद में प्यार मोहब्बत कायम रहे, यहाँ पर एकता कायम रहे और पूरे देश दुनिया में अयोध्या की एकता का संदेश जाए। इसलिए आज ये बैठक की गई, बैठक बहुत सफल रही। सारे लोग इसमें, बैठक में बहुत सारे लोग आए, हिंदू मुस्लिम समाज के सारे लोग थे, सारे मुखिया लोग मौजूद थे, और इस बात का संकल्प लिया गया कि किसी भी स्तर पे हम लोग जाकर यहाँ पर प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा। देखिए आज जो है यहाँ जो है माननीय तेज नारायण जी मंत्री जी, इन्होंने बुलाया है पूरे जो है फैजाबाद की पब्लिक यहाँ है। इधर मुसलमान भी है, ठाकुर भी है, पंडित भी है, मुसलमान भी है। तो यहाँ एक हम लोग संदेश देने के लिए लोगों को बुलाया गया है आपस में। इसलिए बुलाया गया है कि जो भी जो फैसला कोर्ट करेगा उसको भी हम मानेंगे, और अमन का एक संदेश भी देंगे कि अयोध्या में क्या होने वाला है। लोग कोई जो है ऐसी टिप्पणी ना करें, किसी को हिला वाली ऐसी बात ना कहें जिससे हिंदू मुसलमानों का कोई नफरत पैदा हो, कोई जो है गलत यहाँ से संदेश जो है गलत जाए यहाँ से। इसलिए हम लोग यहाँ एक जो है मीटिंग तेज नारायण के नेतृत्व में बुलाया गया है कि एक अच्छा मैसेज जाए कि अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो फैसला कोर्ट किया वो भी ठीक किया है, कोई ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे पूरे हिंदुस्तान दंगा फसाद बवाल फैले। इसलिए हम लोग अमन का एक संदेश देने के लिए पूरी दुनिया को यहाँ बुलाए हैं। माननीय जो है तेज नारायण जी, हमारे जो है दान बहादुर सिंह है, मास्टर साहब जी हैं, और पूरी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई, जिनका भी बहुत से लोगों का हम नाम नहीं जानते, ये सारे जात के लोगों को बुलाया गया है एक अमन का संदेश देने के लिए। ये लोग अपने घरों में जो कुछ भी हो, अपने घरों में जो है बैठ करके वो फैसला मान लें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का नुकसान हो। इसलिए हम देश के वफादार हैं।